वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि लास्ट क्लास पे एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई में मैंने आपसे कहा था कि हम इक्विलिब्रियम लेवल को समझेंगे, जिससे कि आपको न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करना आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बात करते हैं, जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है अभी मैं समझाऊंगा। पहले आप ये देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाएगा आपसे एग्जाम में। क्वेश्चन आपका रहने वाला है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में, एक्सप्लेन नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम थ्रू एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, यूज डायग्राम, आल्सो एक्सप्लेन द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन एन इकोनॉमी व्हेन द इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो यहां पर आपको क्या बताना है, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट को आपको डिस्कस करना है और आपको उन पॉइंट्स को भी डिस्कस करना है जहां पर कि आप इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम, आइए पहले हम ये समझते हैं, उसके बाद इसकी थ्योरी को पढ़ेंगे, पहले आप इसकी डिटेल को समझिएगा। देखिए नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब होता संतुलन, राष्ट्रीय आय संतुलन। संतुलन वो स्टेज होता है, नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होगा जहां पर कि हमारे जो है कंट्री, हमारे इकोनॉमी उससे ज्यादा भी प्रोड्यूस नहीं करेगी और उससे कंपेयर भी नहीं रहेगी, जहां पर स्टेबिलिटी रहेगी। मेरा कहने का मतलब है कि हर इकोनॉमी ये सोचती है, हर इकोनॉमी की ये वांट रहती है कि वो इस स्टेज को अचीव कर ले जहां पर फुल्ली एम्प्लॉयमेंट हो। फुल्ली एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या हुआ कि जितने भी लोग काम करने के योग्य हो, कैपेबल हो और करंट वेजेस रेट पर काम करने के लिए रेडी भी हो, उन सबको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। अगर ऐसा होता है किसी भी कंट्री में तो हम ये कहेंगे कि इस इकोनॉमी में फुल्ली एम्प्लॉयमेंट है। पहले आप मेरी बात समझिएगा। अब देखिए फुल्ली एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं कि वो काम करने के लिए सक्षम भी नहीं है, कैपेबल भी नहीं है, उसे कोई काम ही नहीं आता है, या वो फिजिकली कैपेबल नहीं है, मेंटली कैपेबल नहीं है, उसके बाद वो बोलता है मैं बेरोजगार हूं, उसको फिर बेरोजगार नहीं बोलेंगे हम। वो क्या है, वो कैपेबल है ही नहीं काम करने के लिए। तो वो जो कि काम करने के लिए इच्छुक हो, कैपेबल हो और करंट वेजेस रेट, जो वेजेस रेट चल रहा है उस पर काम करने के लिए रेडी हो, उसके बावजूद भी उसको काम ना मिले, तब कहेंगे वो अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर हम ऐसे सभी लोगों को जो कि एलिजिबल भी हैं, कैपेबल भी हैं और करंट वेजेस रेट पर काम करने के लिए एग्री भी है, उन सबको जब हम एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं तो वो हमारा होता है फुल्ली एम्प्लॉयमेंट। और सिर्फ इंडिया की बात नहीं करता हूं मैं, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में जितने भी कंट्री है, हर कंट्री के एफर्ट यही रहते हैं कि वहां पर फुल्ली एम्प्लॉयमेंट पर पहुंचा जाए, पूर्ण रोजगार स्थापित किया जाए, सभी लोगों को रोजगार तक लेकर आया जा सके, तभी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तभी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, नेशनल इनकम तेजी से आगे बढ़ेगा। तो इस स्टेज को अचीव करना, इस स्टेज को पाना, इसी को हम बोलते हैं नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम। क्योंकि जब सभी लोग काम पर आ जाएंगे, कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो वहां पर हमारा नेशनल इनकम काफी अच्छे लेवल का होगा और वो पॉइंट हमारा नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम होगा। तो नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम का मतलब साफ और साफ है फुल्ली एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आप फुल्ली एम्प्लॉयमेंट दे पाते हैं तो नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम है। अब आप कहेंगे कि सर क्या इस समय इंडिया नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम के स्टेज को अचीव कर लिया है या फिर बाकी कंट्रीज ने अचीव किया है? डियर स्टूडेंट, ये यहां पर ये टारगेट होता है, कोई भी कंट्री इसको पूरी तरीके से अचीव नहीं कर अभी तक कर पाई है। हाँ, इसके इस तक पहुंचने की कोशिश हमेशा जारी रहती है, ये गैप को कम किया। अगर पॉइंट यहां पर हम यहां पर है तो हम इस तक पहुंचने के लिए ये गैप धीरे धीरे कम होता चला जाता है। क्लियर है? अब आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, आइए इसको मैं एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सभी चीजों को एकदम से मत सोचिए कुछ ऐसी बात बोल दूंगा आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा, मैं बहुत सारी बातें भी बताऊंगा साथ के साथ, सब पे ध्यान देना है आपको। देखिए सबसे पहले यहां पर मैं डायग्राम से आपको समझाना चाहूंगा कि आप ये मेरा एक नेशनल इनकम का डायग्राम है, एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं इसको, और मैंने बताया था ये 45 डिग्री पर बनता है। एग्रीगेट सप्लाई के बारे में डिस्कशन हो चुका है हमारा, जो कि और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम नेशनल इनकम भी कहेंगे। ठीक है, ये हमारा ओरिजन है, ग्राफ में एक्स एक्सिस है पॉजिटिव और ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव है। और यहां पर मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, एक तो यहां पर मैं आपका एग्रीगेट डिमांड और
एग्रीगेट सप्लाई, दोनों को हम यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये मेरा नेशनल इनकम हो गया। नेशनल इनकम हो गया। अब बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसे बनता है, आप भी इस बात को जानते हैं कि एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसे बनता है। सबसे पहले वो कहां से स्टार्ट होगा, एग्रीगेट डिमांड अगर बनाना है आपको तो वो सबसे पहले जीरो इनकम लेवल पर भी एक ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, कुछ इस तरीके का आपका रहने वाला है। ये भी डिमांड, ये कंजम्पशन कर्व है आपका, कंजम्पशन फंक्शन है, सी है ये, बट एग्रीगेट डिमांड नहीं है। तो एग्रीगेट डिमांड के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें इन्वेस्टमेंट को भी ऐड करोगे, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये आपका एग्रीगेट डिमांड है। ठीक है, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सारी बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर भी आप मेरी बात समझिएगा। देखिएगा, कंजम्पशन कर्व क्या होता है, कंजम्पशन ये बताता है जो कि इनकम से डायरेक्ट रिलेट करता है, नेशनल इनकम से डायरेक्ट रिलेट करता है। आप चलिए नेशनल इनकम को छोड़ दीजिए, आप अपने घर पर ही आ जाइए, इस पर सोचिए, जैसे जैसे पिताजी की आय बढ़ेगी वैसे वैसे घर में कंजम्पशन भी बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा, तो डायरेक्ट रिलेट करता है इनकम का कंजम्पशन के साथ में। इनकम बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता चला जाता है, लेकिन उस स्पीड से कंजम्पशन, दोनों ही बढ़ते हैं, लेकिन आप उस स्पीड से कंजम्पशन नहीं बढ़ता है जिस स्पीड से हमारी इनकम बढ़ती है। अब आपके घर के आमदनी में 10,000 रुपए का इजाफा हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि 10,000 रुपए आप कंजम्पशन में डाल दोगे, उसका एक पार्ट आप सेविंग में भी डालोगे। इसलिए जितनी हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारा कंजम्पशन भी डेफिनेटली बढ़ेगा, बट उतना नहीं बढ़ेगा जितनी की हमारी इनकम बढ़ी है, ये बात आप पहले समझिएगा। इसलिए मेरा जो कंजम्पशन कर्व है ना, थोड़ा सा इस तरीके से बना हुआ है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ उसके बारे में। कंजम्पशन कर्व मैंने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, वो थोड़ा सा फ्लैटर बनेगा। देखिएगा, ऐसे बनने, ऐसा क्यों नहीं बना लोगों 45 डिग्री पर, ये जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट किया कंजम्पशन कर्व को, इसलिए क्योंकि यहां पर जीरो लेवल है। ये बता रहा है कि जब मेरी इनकम जीरो है तो मेरा कंजम्पशन भी जीरो है, जबकि ऐसा कभी नहीं होता है। अब बताइए, लॉकडाउन में हमारी इनकम जीरो हो गई थी, सबकी नहीं हुई थी, बट जिनकी भी इनकम जीरो हुई थी क्या उनका कंजम्पशन भी जीरो हो गया था? नहीं, या तो पुरानी सेविंग से कंजम्पशन कर रहे थे या किसी से उधार लेकर कंजम्पशन कर रहे थे, बट जीरो इनकम लेवल पर कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन होता ही है ना, जीरो इनकम लेवल पर जीरो कंजम्पशन तो नहीं होता है ना। इसलिए यहां पर आप इस बात को समझिएगा कि आपका ये जीरो इनकम होने के बाद भी कंजम्पशन का कुछ लेवल रहेगा, इसलिए वो जीरो से कभी भी स्टार्ट नहीं होगा, ये जीरो इनकम लेवल पर कहीं ना कहीं ऊपर से स्टार्ट होगा। दूसरी बात, आप इसको थोड़ा सा फ्लैटर बनाइए। फ्लैटर इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि जितनी मेरी नेशनल इनकम, अब देखिए मेरी इनकम में इतना इजाफा हुआ बट कंजम्पशन में इतना ही इजाफा हुआ, तो इनकम में कंपेटिवली कंजम्पशन कम बढ़ रहा है। अगर आप इसी चीज को थोड़ा स्टीपर कर देते तो ये बताता क्या कि मेरे, देखिए ये क्या बता रहा है, मेरी इनकम इतनी बढ़ी तो मेरा कंजम्पशन इतना बढ़ गया, जबकि ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो कंजम्पशन कर्व किस तरीके से बनेगा, कंजम्पशन कर्व जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, यहां से बनेगा, थोड़ा फ्लैटर बनेगा। और मैंने कंजम्पशन कर्व देख रहे हैं आप कैसा बनाया, थोड़ा सा फ्लैटर बनाया, यहां से बनाया, और जीरो इनकम लेवल पर जितना भी कंजम्पशन होता है उसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं, इसलिए मैंने इसको सी बार से रिप्रेजेंट करा है। ये बात आपको पहले समझ में आई, पहले कंजम्पशन कर्व समझ में आपको आया, ये बताइए एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम, तो आपका कुछ इस तरीके से ही आपका रहेगा। ठीक है जी, अब ये गैप क्या जो पैरेलल शिफ्ट हुआ, सवाल ये है, ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुका हूं बट फिर भी बता देता हूं एक बार। ये होता है इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब जैसे कि कोई भी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए सरकार क्या करती है, उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए एक अमाउंट डालती है, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ उसमें निवेश करती है। जैसे बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है, तो जैसे आप देखते हैं ना कि बिहार कई बार स्पेशल पैकेज की डिमांड करता है, या फिर पंजाब भी स्पेशल पैकेज की डिमांड करता है कि भैया हमें इतने पैकेज की नीड है, हमें इतना पैकेज दो, हमें इस राज्य को आगे बढ़ाना है, वो क्या करेंगे, उस अमाउंट को वो उस राज्य में खर्च करेंगे, वहां पे एम्प्लॉयमेंट देने में खर्च करेंगे, नए नए इंडस्ट्री को इन्विटेशन देंगे, वो इस तरीके से सिस्टम बनाएंगे जिससे कि इकोनॉमी वहां की जो है वो आगे बढ़े। तो अगर 10,000 करोड़, 5,000 करोड़ कोई राज्य मांगते हैं, उस राज्य को हम देते हैं, वो राज्य अपने डेवलपमेंट पे उसको खर्च करेगी, तो ये एक फिक्स अमाउंट है जो सरकार उसको दे रही है। क्लियर है, जैसे पाकिस्तान को नीड है आज अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, तो वो भी एक पैकेज की डिमांड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से कर रही है कि हमें एक पैकेज की नीड है। तो एक फिक्स अमाउंट होता है ये, इसको कॉन्स्टेंट फिगर कहते हैं, ये इन्वेस्टमेंट होता है, इसको हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहेंगे। और ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक फिक्स अमाउंट है, इसलिए इसको मैंने क्या करा, पैरेलल टू पैरेलल शिफ्ट करा मैंने, पैरेलल इसको मैंने अपवर्ड यहां पर शिफ्ट करा कर दिया है। क्लियर है जी, तो आपको पता है कि एग्रीगेट डिमांड ऐसे नहीं बनता है। एग्रीगेट डिमांड कैसे बनता है, आप जानते हैं इस चीज को कि एग्रीगेट डिमांड आपका क्या होता है, कंजम्पशन प्लस में सेविंग या इन्वेस्टमेंट,
कंजम्पशन प्लस में इन्वेस्टमेंट आपका एग्रीगेट डिमांड होता है। अब मेरी मुझे बताइए मैंने कितनी मांग की है, मैं बताता हूं आज मैंने 500 रुपए का कंजम्पशन कर लिया और 200 रुपए आज मैंने इन्वेस्ट कर दिए, तो मैंने डिमांड कितनी करी है, कितने रुपए की चीजें खरीदी है, 700 रुपए की। तो एग्रीगेट डिमांड होता क्या है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। क्लियर है जी, ये बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है। तो आपने लास्ट क्लास में मैंने आपको क्लोज इकोनॉमी मॉडल में जो कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ा रहा था आपको याद है, उसे मैंने क्या बताया था कि डिमांड तो एक कंजम्पशन के लिए किया जाता है, वो तो हाउस होल्ड करता है, प्लस में डिमांड इन्वेस्टमेंट के लिए भी करता है, बताया था मैंने आपको कैपिटल गुड्स के लिए। तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट क्या बनता है हमारा, एग्रीगेट डिमांड बनता है। यहां पर मैं गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर को नहीं रख रहा हूं, क्लोज इकोनॉमी मॉडल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आपके पास में ये मेरा एग्रीगेट डिमांड के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन कर्व ये रहा, इन्वेस्टमेंट ये रहा, तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट डिमांड कहां बन जाएगा, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा आपका। भैया ये बात समझ में आपको आई नहीं आई, क्लियर है, कोई डाउट? तो ये मेरा क्या है, एग्रीगेट डिमांड कर्व हो गया। अब कहते हैं कि एग्रीगेट इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होता कब है, मतलब कि वो पॉइंट कौन सा पॉइंट है जिस पर फुल्ली एम्प्लॉयमेंट होता है, वो पॉइंट कौन सा है। तो ऐसा कहते हैं कि जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, जहां पर दोनों इक्वल हो, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, जहां पर दोनों क्या हो, इक्वल हो, वहां पर क्या होता है, नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम में होता है या इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होती है। तो मत बताइए आप कहां पर इक्वल है। मुझे मालूम है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल आए होंगे, सर ऐसा क्यों होता है, यहीं पर इक्विलिब्रियम क्यों होता है, कैसे ये फुल्ली एम्प्लॉयमेंट को बता देगा, कैसे यहां पर आप कह सकते हैं पूर्ण रोजगार है। मैं सभी सवालों के जवाब दूंगा, फिलहाल आप इस बात को समझिए। देखिएगा, एग्रीगेट डिमांड आप देख रहे हैं ये व्हाइट कलर में जो है, मैं कलर चेंज कर देता हूं उसका, ये लीजिए जो ग्रीन कलर में, ये आपका क्या है, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। और येलो कलर में आपके पास में क्या, एग्रीगेट सप्लाई। दोनों कहां पर इक्वल है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कहां पर इक्वल है, इस पॉइंट पर इक्वल है या नहीं, जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड ग्रीन और एग्रीगेट सप्लाई येलो कलर में, कहां, यहां पर इक्वल है। क्लियर है जी, मेरी बात समझे, क्योंकि देखेंगे अगर आप एग्रीगेट डिमांड का लेवल देखें, ये डिमांड को बता रहेगा ना वाई एक्सिस, क्लियर है। तो ये आपके पास में क्या है, ये एग्रीगेट डिमांड, क्लियर है जी। एग्रीगेट सप्लाई को देखो, एग्रीगेट सप्लाई को देखो, तो ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है ना, तो एग्रीगेट सप्लाई भी क्या है आपका, इतना ही है। अगर आप यहां पर इस पॉइंट पर डिमांड कर्व को कट करके आ रहा है तो एग्रीगेट डिमांड है, सेम पॉइंट पर सप्लाई को भी कट कर एग्रीगेट सप्लाई को, तो एग्रीगेट सप्लाई भी इतना है। दोनों को दोनों क्या है, दोनों के दोनों इस पॉइंट पर इक्वल है या नहीं है, ये बताइए। तो ये पॉइंट मेरा ई पॉइंट हो गया, ये पॉइंट मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, और यहां पर एक नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। अब सवाल ये है कि सर यही पॉइंट क्यों, मतलब कि जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों ई पॉइंट पर इक्वल है, ये बात तो समझ में आ गई है, क्योंकि ई पॉइंट पर अगर आप एग्रीगेट डिमांड कट कर रहा है तो देख रहे हैं, तो डिमांड इतना है, इसी पॉइंट पर एग्रीगेट सप्लाई को कट कर रहा है, सप्लाई दोनों ही इक्वल है। अगर इसके अलावा कोई और पॉइंट में लेता हूं तो यहां पर आप देखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड आपको इतना आ रहा है और इसी पॉइंट पर एग्रीगेट सप्लाई कितना आएगा, तो मैं ले लेता हूं, इससे आगे लेते हैं दिस वन, मैं इस पॉइंट को ले रहा हूं। देखो इस पॉइंट पर क्या है आपका, ये मैं इसका नाम कुछ भी दे देते हैं, वाई वाई डैश पी, कुछ भी नाम दे दो अपनी तरफ से आप, क्यू। अगर आप बात करोगे तो आपके पास में ओ वाई लेवल पर, नेशनल इनकम के ओ वाई लेवल पे आपका एग्रीगेट डिमांड कितना है, पी वाई वन, और आपके पास पी वाई वन है ना, और आपके पास एग्रीगेट सप्लाई कितनी है, ओ वाई वन, देख रहे हैं आप, इतना आपका क्या एग्रीगेट डिमांड और ये क्या आपका एग्रीगेट सप्लाई, तो क्या दोनों इक्वल है। एग्रीगेट डिमांड का लेवल कितना है यहां से यहां तक, और एग्रीगेट सप्लाई का लेवल क्या है,
इस नेशनल इनकम पर सप्लाई कितनी हो रही है, दिस वन एग्रीगेट सप्लाई, क्या दोनों इक्वल है? दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर आपने दोनों जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो एग्रीगेट डिमांड यहां पर आपके इतना है और एग्रीगेट सप्लाई आपको टच करके यहां पर आओगे तो एग्रीगेट सप्लाई इतना, एग्रीगेट सप्लाई आपकी ज्यादा बन रही है ना, क्लियर है? अगर इससे पहले अगर आप आते हैं, इससे पहले अगर आप एक पॉइंट पर आते हैं, ये आपका ये देखिएगा एग्रीगेट सप्लाई कहां है, ये आपका वाई टू कर देता हूं, एम एन इस पर देखेंगे, ओ वाई टू पर ये किसको टच कर रहा है, नेशनल इनकम के ओ वाई टू पर, इस पर ये किसको टच कर रहा है, एग्रीगेट सप्लाई इतना है और एग्रीगेट डिमांड इतना है। तो मैं अगर बताता हूं पी पॉइंट, अगर मैं इस नेशनल इनकम के वाई डैश की मैं बात करूं तो वाई डैश पे क्या देखने को मिल रहा है कि एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा क्या है, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड से, एक्सेप्ट करते हो इस चीज को, नेशनल इनकम के ओवाई डैश पे एग्रीगेट सप्लाई कितनी है, दिस वन, एग्रीगेट डिमांड कितनी है, दिस वन, एग्रीगेट डिमांड इतनी है और एग्रीगेट सप्लाई इतनी है, तो एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड से, क्लियर है? अगर मैं पीछे जाता हूं वाई टू पे तो यहां पर मैं देखता हूं कि मेरे पास में इस नेशनल इनकम के लेवल पर मेरे जो ये एग्रीगेट सप्लाई इतनी है और एग्रीगेट डिमांड इतनी है, तो यहां पर ज्यादा कौन है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, बात समझे नहीं समझे? तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि दोनों इक्वल होंगे कहां पर, जहां पर दोनों दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि इसके बाद जाते हो तो एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा मिलती है, इससे पीछे आते हो तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा मिलता है। तो पहली बात तो समझ जाइएगा कि कहां पर एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं, पहले मैं आपको यह समझा रहा हूं कहां पर इक्वल होंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, कहां पर इक्वल होंगे, जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पर दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि यहां पर देख लीजिए एग्रीगेट डिमांड को टच कर रहा है ओ वाई लेवल पे और ओ वाई लेवल पे एग्रीगेट सप्लाई को भी टच कर रहा है, इतना ही आ रहा है, सेम हाइट है। तो सबसे पहले आप यहां पर इस बात को समझ लीजिएगा कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कहां पर इक्वल होगा, जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप जाते हैं नेशनल इनकम को, उसके बाद अगर आप करने की कोशिश करते हैं तो आपका एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होगा, उससे पहले अगर आप करते हैं तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है? तो इसलिए इक्विलिब्रियम, ये ई पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है, कब, ओ वाई लेवल पे। ये बात समझ में आपको आया? अब सवाल ये पहले चीज क्लियर हुई कि कहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होता है। पॉइंट नंबर दो कि भैया इसको आपने ई पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट क्यों कहा, कैसे पता लगेगा कि यहां पर फुल्ली एम्प्लॉयमेंट है, कैसे पता लगेगा कि बेस्ट सिचुएशन पे इकोनॉमी काम कर रही है जिससे कि उसका इक्विलिब्रियम हो गया, ये ई पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है और क्यों, क्या लॉजिक है इसके पीछे। अब सवाल आपका ये है, आइए इस सवाल का जवाब लेते हैं। चलिए मैं मान लेता हूं ई पॉइंट नहीं है, मैं एक मान लेता हूं। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सर हम ई पॉइंट पर नहीं जाना चाह रहे, हम ओ वाई टू पर, ओ वाई टू पर हम नेशनल इनकम का, नेशनल इनकम रखना चाहते हैं, तो क्या देखने को मिलेगा ओ वाई टू पर? अगर आप देखते हैं तो ये आपके पास में क्या है, एग्रीगेट सप्लाई है दिस वन, और ये क्या आपका एग्रीगेट डिमांड, तो ज्यादा क्या है एग्रीगेट डिमांड, क्लियर है ना, ओ वाई लेवल पे। अगर आप ये लेवल चाहते हैं तो देख लेते हैं इस पर क्या हो जाता है, इस पर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा एग्रीगेट सप्लाई से। इसका मतलब बच्चे ये है कि एक इकोनॉमी में जितनी सप्लाई हुई है, प्रोड्यूसर ने, फर्म ने जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का अभी तक प्रोडक्शन करा एक फाइनेंशियल ईयर में, उससे ज्यादा लोगों की डिमांड है, यही मतलब है ना इसका। एक इकोनॉमी में फर्म ने जितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करा उससे ज्यादा क्या है, इसकी डिमांड है। ये बात समझे या नहीं समझे, इसका मतलब यही है। तो इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी में और भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की गुंजाइश है, जितनी यहां पर सप्लाई हुई है उससे ज्यादा क्या है, डिमांड है। अब भैया आप मेरे दुकान पे कोई आ जाता है, 10 पार्ले जी के बिस्किट है, या फिर मैंने 10 चपाती बनाई है लेकिन 20 चपाती की डिमांड है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि 10 चपाती और बनाने की गुंजाइश है, तो जितनी यहां पर मेरे पास में सप्लाई है उससे ज्यादा क्या है, एग्रीगेट डिमांड है। तो जब मेरा डिमांड अभी भी लोगों की फुलफिल नहीं हो पाई है, उससे ज्यादा मेरे पास में लोगों की डिमांड अगर आ रही है, तो क्या इकोनॉमी अभी और प्रोडक्शन कर सकती है,
अब इकोनॉमी उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए इकोनॉमी को अभी और प्रोडक्शन करना चाहिए। इससे क्या होगा, इकोनॉमी अगर और प्रोडक्शन करेगी तो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। भाई किसी चीज का प्रोडक्शन बिना एम्प्लॉयमेंट के थोड़ी हो जाता है। जब अभी और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, अभी और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना बाकी है, अभी और गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करना बाकी है, तो कैसे कह सकते हो कि ये बेस्ट सिचुएशन है, बस इससे ऊपर और कुछ हो नहीं सकता, किसी इससे ऊपर भला नहीं हो सकता, इकोनॉमी का गुंजाइश है या नहीं है, इससे ज्यादा इकोनॉमी के नेशनल इनकम जनरेट हो सकती है या नहीं हो सकती है, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। तो ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं ये एक इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है, क्योंकि अभी इकोनॉमी के पास में स्कोप है आगे बढ़ने का, अभी इकोनॉमी के पास में स्कोप है एम्प्लॉयमेंट देने का, अभी इकोनॉमी के पास में स्कोप है और गुड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने का। जब इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है क्या है, जब चरम सीमा पर पहुंच जाए और कोई स्कोप ही ना हो, उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो लेकिन इस पॉइंट पर तो मैं देख रहा हूं एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, जितना बना है उससे ज्यादा तो लोगों को चाहिए, तो अभी और बना करके हम नेशनल इनकम को बढ़ा सकते हैं, अभी और लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, तो कैसे कह दो कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है जबकि अभी नेशनल इनकम में बढ़ने की गुंजाइश है। ये बात समझ में आया, तो ये क्यों हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है, ये समझ में आया, क्लियर है। चलिए मैं अब इसकी बात कर लेता हूं कि इसमें क्या दिक्कत है। तो यहां पर क्या देख रहे हो आप, एग्रीगेट ओ वाई लेवल पर अगर आप देखते हैं, ये एग्रीगेट डिमांड को टच करके यहां आया, इसी नेशनल इनकम पर एग्रीगेट सप्लाई को यहां पर आया, तो क्या ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, मतलब कि जितना लोगों की डिमांड नहीं है ना उससे ज्यादा क्या है, जितना लोगों की डिमांड नहीं है लोग क्या है, सप्लाई है, मतलब कि 10 चीज चाहिए 50 बन के तैयार है। तो जब डिमांड से ज्यादा सप्लाई हो जाता है तो क्या होता है, आप मुझे खुद बताओ, मैं एग्जांपल के लिए आपको बताना चाहूंगा, अभी एक अच्छा एग्जांपल सुन लीजिएगा, मैं इस केस को समझाता हूं। जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा एग्रीगेट सप्लाई से, अभी कोविड आया था, जब कोविड स्टार्टिंग में 2019 के एंड में आया था तो उस समय सबसे पहले सब लोगों ने मास्क सैनिटाइजर नाम की कोई चीज सुनी थी, तो क्या हुआ, इसकी डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई क्या थी उस समय, कम थी। तो उस समय क्या हुआ, फिर मास्क एंड सैनिटाइजर को डेवलप करा नहीं करा, बनाया नहीं बनाया, उसको बनाने में लोगों को रोजगार मिला नहीं मिला, लोगों ने उसको बेचा भी है लॉकडाउन में, उसे कमाया नहीं कमाया। तो जब डिमांड ज्यादा होता है सप्लाई कम होती है, तो उसको बना करके और नेशनल इनकम को बढ़ाया जाता है और एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, क्लियर है। अब एक टाइम ऐसा आया, कोविड वोविड तो अब लगभग लगभग कहीं ना कहीं कंट्रोल में आ चुका है, लेकिन अब क्या हुआ, मास्क सैनिटाइजर इतने आ गए थे कि रोड पे पटरियों पर रेडी पे हर जगह मास्क सैनिटाइजर मिल रहे थे। मतलब क्या हुआ, डिमांड से ज्यादा क्या हो गई थी सप्लाई, फिर क्या हुआ आप बताइए। अब फैक्ट्रियों ने क्या करा, अब भैया कोविड भी उस हिसाब से अब तो डिमांड है नहीं उतनी, बट सप्लाई तो उससे कहीं ज्यादा टाइम्स बढ़ा दी है। तो फिर इसका इंपैक्ट क्या देखने को मिला, इसका इंपैक्ट ये देखने को मिला कि फर्मों ने फैक्ट्रियों ने ये कहा कि भैया अभी मास्क एंड सैनिटाइजर को अभी रोक देते हैं बनाना, क्योंकि भैया वो बच रहा है, उनका अनसोल्ड स्टॉक है, बिकी नहीं रहा अभी। तो जब सप्लाई ज्यादा डिमांड कम है तो फिर क्या रहेगा, अनसोल्ड स्टॉक रहेगा या नहीं रहेगा बताओ। सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, तो जितना डिमांड था उतना तो फुलफिल हो गया, जो सरप्लस सप्लाई है वो क्या होगा, उसको वो और थोड़ी बनाएगा, वो क्या करेगा फर्म, वो फर्म कहेगा पहले ये माल निकल जाए तभी मैं अगला बनाऊंगा, तब तक वो एम्प्लॉय को बिठा करके वो सैलरी थोड़ी देगा, वो दो काम करेगा, एक प्रोडक्शन को रोक देगा और दूसरा क्या करेगा, वो लोगों को जो है जॉब से निकालेगा कि भैया मेरा अनसोल्ड स्टॉक बच रहा है। अगर इकोनॉमी में जब भी अनसोल्ड स्टॉक आ जाता है ना, मेरी बात समझिएगा, ये सिचुएशन है ना इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है, इसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं, मेरी बात समझे, क्लियर है। ये इन्फ्लेशन होता है कब, जब आपके एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा एग्रीगेट डिमांड हो, तो उस सिचुएशन में चीजों की कीमतें क्या होती है, लगातार बढ़ने लग जाती है, वो इन्फ्लेशन क्रिएट कर देता है, महंगाई बढ़ती है, फिर धीरे धीरे पैदावार भी बढ़ती है, तब कंट्रोल में आता है। और ये सिचुएशन क्या पैदा, ये तो फिर भी ठीक है इकोनॉमी के लिए, महंगाई बढ़ रही है लेकिन लोगों को रोजगार तो मिल रहा है भाई, फैक्ट्रियां तो चल रही हैं, फैक्ट्रियां बनाने में लगी हैं रात दिन सामान, काम धंधा तो है, काम करने का स्कोप तो है, चीजें की कीमत बढ़ रही है, बट आपको काम पे तो रखा जा रहा है, ये सिचुएशन फिर भी ठीक है। ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो जाती है, जब डिमांड से ज्यादा सप्लाई हो जाती है ना तो क्या होता है, अनसोल्ड स्टॉक बच जाता है, अनबिका माल बच जाता है। अब जब वो अनबिका माल बच जाएगा तो उसको बेचने के लिए फर्म थोड़ी देर के लिए रुकेगी, रुकने का मतलब ये हो गया कि वो बेरोजगार लोगों को करेगी, मेरी बात समझे, लोग बेरोजगार उस में होने जाएंगे, इसी को क्या बोलते हैं, रिसेशन बोलते हैं, मंदी बोलते हैं इस सिचुएशन को, जब सप्लाई ज्यादा होती है डिमांड कम होता है। तो मंदी में क्या होता है कि भैया फर्मों के पास में चीजें तो हैं लेकिन कोई खरीदार नहीं है, फर्मों के पास में उसको बेचने के लिए फर्म क्या करेंगे, अपने जो है आउटपुट प्रोडक्शन रोक देगी, और उससे रोकने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट करेगी, लोगों को काम से निकालेगी, बेरोजगारी फैलेगा। हाँ मैं मानता हूं चीजों की कीमतें गिरेंगी, मैं जरूर मानता हूं,
अवेलेबल है, लोग खरीदे ही कम रहे हैं, तो क्या होगा, रेट डाउन होगा। लेकिन जब मैं बेरोजगार हो गया हूं तो उस कम होने के बाद भी मैं उसको बाय नहीं कर सकता हूं, तो मेरे लिए तो अच्छी सिचुएशन यही थी। तो कहीं ना कहीं अगर आप यहां पर उछल के जाते हो, मैं तो भैया इतना ओ वाई लेवल का नेशनल इनकम बनाऊंगा देश का, मेरे भाई आप यहां तक जा ही नहीं सकते हो, ऑटोमेटिक खिसक जाओगे पीछे। क्यों? सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, धीरे धीरे फर्में हो जाएंगी बंद, फर्में रुक जाएंगी, बेरोजगारी आएगा, माल बनना कम हो जाएगा, नेशनल इनकम धीरे धीरे कम हो जाएगा। यहां पर आओगे, यहां पर रुकोगे तो अपने आप ही डिमांड ऐसा करेगा कि लोगों को मोटिवेट करेगा चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए, नेशनल इनकम बढ़ने लग जाएगा। तो यहां से अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, यहां से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इस पॉइंट पर आप जाते हो तो अपने आप पीछे खिसकोगे, इस पॉइंट पर रहते हो तो अपने आप आगे धक्का लगेगा। आप रुकोगे कहां, आपका ठहराव कहां पर है? आप इस पॉइंट पर अगर आ जाओगे जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है, तो वहां पर आपके पास में ना तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, मेरी बात समझे, जिससे कि अभी और प्रोडक्शन होगा, ना तो एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा जिससे कम होगा, यहां पर स्टेबिलिटी आ जाएगी इकोनॉमी के पास में। तो ये पॉइंट मेरा क्या हो गया, ये मेरा एक इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। मेरी इस बात को समझे या नहीं समझे बताइए जरा, बताओ भैया ये बात समझ में आपको आई या नहीं आई, हाँ या ना में जवाब दे जल्दी से बोलो। क्लियर है? चलिए फिर अब क्या कहता है आपका, एक्सप्लेन द नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम थ्रू एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, यूज डायग्राम आल्सो एक्सप्लेन द चेंज दैट टेक प्लेस इन एन इकोनॉमी व्हेन द इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। मैंने दोनों बात बता दी है कि इक्विलिब्रियम कहां होगा, जब इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो हमें क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीगेट डिमांड रेफर टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड इन अ इकोनॉमी इन अ ईयर, एक साल के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विस फाइनल गुड्स सर्विस की डिमांड होती है उसे हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। एग्रीगेट सप्लाई रेफर टू द प्लांड एग्रीगेट आउटपुट बाय द प्रोड्यूसर्स ऑफ द इकोनॉमी इन अ अकाउंटिंग ईयर, एग्रीगेट सप्लाई रेफर टू द प्लांड एग्रीगेट आउटपुट बाय द प्रोड्यूसर ऑफ द इकोनॉमी इन अ अकाउंटिंग ईयर। क्लियर है, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में कह रहा है कि एक अकाउंटिंग में जितना भी चीजें प्रोड्यूस की जाती है एग्रीगेट सप्लाई होती है। द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ अ नेशनल इनकम इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, समझे। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, इन द डायग्राम इनकम इज शोन ऑन द एक्स एक्सिस, नेशनल इनकम को एक्स एक्सिस पे शो करा है, एंड एडी ऑन द वाई एक्सिस, मतलब कि एग्रीगेट डिमांड को हमने वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करा है, एंड सीसी रिप्रेजेंट्स द कंजम्पशन फंक्शन कर्व, सीसी कंजम्पशन फंक्शन कर्व है, एंड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू मतलब एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई हो गए, एंड इज कॉन्स्टेंट ऑल इनकम लेवल, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं इसको, बताया था मैंने आपको। ठीक है, बाय एडिंग इन्वेस्टमेंट टू सीसी कर्व, इस सीसी कर्व में जब इन्वेस्टमेंट को एड कर देंगे, एडिंग सीसी कर्व, वी गेट द एग्रीगेट डिमांड, दिस वन वी गेट द एग्रीगेट डिमांड। क्लियर है, द इक्विलिब्रियम शो बाय द पॉइंट ई, ई पॉइंट पर क्या है इक्विलिब्रियम शो हो रहा है, इज एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 45 डिग्री ऑफ दिस वन, ये 45 डिग्री है ना एसी, मैं बताता हूं एसी 45 डिग्री पर बनाना है आपको। क्लियर है, आगे क्या कहता है लाइन, एंड द एग्रीगेट कर्व वेयर द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ओ एम, तो इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल क्या है, ओ एम पॉइंट है। व्हाट हैपन व्हेन एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, तो यहां पर मतलब कि जितनी डिमांड है सप्लाई उससे कम है, तो कहीं ना कहीं यहाँ स्कोप है इकोनॉमी को आगे ग्रोथ करने का, यहाँ स्कोप है एम्प्लॉयमेंट देने का, यहाँ स्कोप है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का, यहाँ स्कोप है नेशनल इनकम को बढ़ाने का। तो जब नेशनल इनकम मेरा बढ़ रहा है, यहाँ से बढ़ेगा, तो मैं इसको कैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल दूंगा, पर अगर इस सिचुएशन में तो क्या हुआ, इट मींस दैट द बायर आर प्लानिंग टू बाय मोर गुड्स एंड सर्विसेज देन द प्रोड्यूसर आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूसर जितना प्लान कर रहे हैं प्रोड्यूस करने के लिए, बायर उससे ज्यादा खरीदने के लिए तैयार है, एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। और सिचुएशन कब आता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले वाला सारा सिचुएशन वही होता है, इससे पहले कहीं भी चले जाओ आप, इससे पहले कहीं भी चले जाओ आपके पास में। क्लियर है, आपको ये एग्रीगेट सप्लाई है तो एग्रीगेट डिमांड ये रहा, एग्रीगेट सप्लाई ये रे, ठीक है एग्रीगेट डिमांड ये रहा, एग्रीगेट सप्लाई ये रहा, एग्रीगेट डिमांड ये, इससे पहले कहीं भी चले जाओ
आपको हमेशा क्या मिलेगा, एग्रीगेट एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। आगे क्या कहता है, इट मीन्स दैट द बायर आर प्लानिंग टू बाय मोर गुड्स एंड सर्विसेज देन द प्रोड्यूसर आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस सप्लाई। मतलब इन दिस सिचुएशन इन इन्वेंट्रीज, मतलब जो गुड्स जो प्रोड्यूस होता है, इन्वेंट्रीज स्टार्ट फॉलिंग एंड कम बिलो प्रोड्यूसर एक्सपेंड प्रोडक्शन। प्रोड्यूसर क्या करेगी, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएगी, ठीक है ना। दिस रेजिस द इनकम लेवल, इससे क्या होगा, इनकम लेवल बढ़ेगा, विच कीप्स ऑन राइजिंग टिल ए डे। इससे इनकम हमारा बढ़ता चला जाएगा। अगर आप कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, अगर आप सोचते हैं कि यही मेरा इनकम लेवल है, तो यहां पर मेरे पास में ये एग्रीगेट सप्लाई का लेवल है, ये एग्रीगेट डिमांड का लेवल है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होने की वजह से आप इस चीज को देखेंगे कि प्रोड्यूसर और भी चीजें प्रोड्यूस करेगी और उससे नेशनल इनकम मेरा बढ़ता चला जाएगा। इसलिए आप यहां से आगे खिसकेंगे, आपका नेशनल इनकम आगे बढ़ेगा। भैया बात समझ में आपको आई या नहीं आई, क्लियर है, कोई डाउट भाई, समझ रहे हो। और जो ये गैप होता है ना, इससे पहले जो भी आप कुछ कोई भी एक पॉइंट ले गैप ना लो, इसको हम इन्फ्लेशनरी गैप भी कह देते हैं। खैर इस बात में बाद में आऊंगा, अभी नहीं आऊंगा। अब वही बात कह रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। मतलब इसके बाद वाला पॉइंट सारा वही होता है, जब एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होता है, एग्रीगेट डिमांड कम होता है। इट मीन्स दैट द बायर आर प्लानिंग टू बाय लेस देन व्हाट आर प्रोड्यूसर आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस, इतना वो प्रोड्यूस प्लानिंग कर रहे हैं उससे कम ये बाय करते हैं। एज अ रिजल्ट द इन्वेंट्रीज स्टार्ट द राइजिंग एंड मूव अबव द डिजायर्ड लेवल, सो द प्रोड्यूसर कट बैक ऑन प्रोडक्शन। अभी अनसोल्ड स्टॉक रहेगा, सप्लाई ज्यादा डिमांड कम है, तो वो क्या करेगा, वो कट करेगा एंड ले ऑफ द वर्कर्स, लोग काम से निकालेगा। दिस रिड्यूस द इनकम लेवल, नेशनल इनकम इससे कम आ जाएगा। तो नेशनल इनकम यहीं पर रुकेगा जहां पर क्या है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, जहां पर क्या है, इक्वल है। बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है भैया, समझ गए, थ्योरी भी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, सिर्फ हाँ 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 कर रहे हो बस। तो ये भाई ये बात समझ में आपको आ गया, क्लियर है, कोई डाउट किसी बच्चे को। तो एक चीज और समझ लीजिए, अब मेरा इसी में दो केस होते हैं, तो मैंने एक क्वेश्चन क्लियर करवा दिया आपको, क्या एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जब हमारा इक्वल होगा तब हमारा नेशनल इक्विलिब्रियम के स्टेज पर आता है, क्लियर है जी। दूसरी बात आप ये भी समझिए, क्या कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड इन द टू सेक्टर इकोनॉमी, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर है और एक आपके पास है फर्म सेक्टर है। सेक्टर इकोनॉमी यूजिंग द सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, वो तो मैंने जो पिछला अप्रोच था ना हमारा, जो भी हमने पढ़ा, वो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच से हमने नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम को समझा, राष्ट्रीय आय संतुलन को समझा हमने समग्र मांग और समग्र पूर्ति की सहायता से, जो भी मैंने पढ़ाया है। अब मैं दोबारा सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ, राष्ट्रीय आय संतुलन ही पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पर, नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम ही समझा रहा हूँ, लेकिन मेरा जो अप्रोच बदल रहा है, इस बार मैं इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच से लेकर के आपको जा रहा हूँ, सेम क्वेश्चन दूसरे अप्रोच से, समझे। तो अब देखिएगा ये अप्रोच क्या है, मैंने आपको क्या पढ़ा, पहले पढ़ाया एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई होगा, तो वो सिचुएशन एक ऐसा होगा जहां स्टेबिलिटी आएगी और इसको है नहीं, चीजों को बनाने का कोई फायदा नहीं है, तो एक नेशनल इनकम हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। खैर इसी को मैं क्या लिखता हूं, एग्रीगेट डिमांड को हम क्या लिखते हैं, सी प्लस आई लिखते हैं, और इसको हम क्या लिखते हैं, सी प्लस एस लिखते हैं, एग्रीगेट सप्लाई को, बताया था मैंने भाई जितनी भी सप्लाई होती है कहां जाती है, कंजम्पशन होती है, या तो बच जाता है, पूरे देश में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है या तो कंजम्पशन हो गई है, बाकी रेस्ट ऑफ वो क्या हुआ, बची हुई है, सेविंग है दिस वन। तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई मीन्स क्या हुआ, सी प्लस आई इक्वल्स टू सी प्लस एस, और आपको पता है सी तो कॉमन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आई इक्वल्स टू एस, बात समझे या नहीं समझे। तो इसका मतलब यह है कि एग्रीगेट डिमांड जब हमारा नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम पे है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट पर हमारा इन्वेस्टमेंट और हमारी सेविंग इक्वल है। तो आप एक तरफ ये भी बात कर सकते हो, जब हमारी जितना भी हम बचत करते हैं वो सारा का सारा हमारा सेविंग में चला जाए, सॉरी सारा सारा इन्वेस्टमेंट में चला जाए, मैंने 10,000 बचाया और 10,000 मैंने बैंक में रख दिया, मतलब वो इन्वेस्टमेंट ही तो है बैंक में पैसा रखना, क्यों, क्योंकि बैंक में पैसा रखा है आपने, आपको उस पर रिटर्न मिलेगा, वो इन्वेस्टमेंट ही होता है आपका। तो आपका नेशनल इनकम कब इक्विलिब्रियम में होगा, जब आई इक्वल टू एस होगा तो ऑटोमेटिक एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई आपका हो जाएगा। बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है। तो इसलिए कहता है कि इससे कैसे आप नेशनल इनकम डिटरमिनेशन कर सकते हैं इक्विलिब्रियम, तो यहां पर जब आपका आई इक्वल टू एस हो जाएगा तो आपका नेशनल इनकम डिटरमिनेशन
हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल से समझते हैं, इनकम हमारे 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, क्लियर है। कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन तो होगा भैया, जीरो इनकम है तो क्या हुआ, क्या आप कुछ कंजम्पशन नहीं करेंगे, करेंगे जो कि क्या है 40, और फिर मैंने एसएससी गैप पे लिख दिया 120, 80, 80, 80, 80 गैप पे मैंने डाल दिया इसको, कंजम्पशन बना लोगे शेड्यूल एग्जाम में। सेविंग, भैया इनकम में से कंजम्पशन माइनस करोगे सेविंग नहीं आएगा क्या, भैया आय का आया उसमें से इतना कंजम्पशन हो गया, रेस्ट ऑफ सेविंग होता है, तो इनकम में से कंजम्पशन माइनस करा सेविंग, कंजम्पशन माइनस करा सेविंग, 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 दिस वन सेविंग कर, क्लियर है। और इन्वेस्टमेंट, मैंने एक फिक्स इन्वेस्टमेंट होता है ना, कॉन्स्टेंट होता है इन्वेस्टमेंट, तो पता है ना आपको, तो 40, 40, 40, 40, 40 एक इन्वेस्टमेंट है। तो यहां पर देखो आपका क्या है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो गया, तो आपका 400 जो है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम हो गया, जहां पर आपके पास में क्या है, ये इक्वल है। मेरी बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है बात समझे, तो ये उसी पॉइंट को बता रहा है आपका। तो अब डायग्राम से अगर आप समझते हैं इस चीज को, तो आप इस बात को भी देख लीजिएगा, मैं डायग्राम बना देता हूं यहां पर। वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, बात करते हैं एक सेविंग कर्व, लास्ट क्लास में सिखाया था मैंने आपको, ऐसे जाता है सेविंग कर्व, नेगेटिव भी होता है जीरो भी होता है, जाता है सेविंग कर्व है, और आपका इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट है, दोनों कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये रहे, क्लियर है भैया आपका इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट ही होता है ना, इन्वेस्टमेंट सेविंग इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पर इक्वल है ना। अगर इससे पहले आप आओगे तो मेरे बच्चे ये आपकी सेविंग है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गई, इसके बाद जाओगे तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये आपकी सेविंग है, तो आपकी सेविंग ज्यादा हो गई। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर अगर आप आओगे, इस लेवल पर आप आओगे, तो ये आपकी क्या है, ये मैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट है, इस पॉइंट पर आप आओगे तो ये क्या आपकी सेविंग, ये क्या आपकी इन्वेस्टमेंट, इससे पहले अगर आप आओगे तो ये आपका सेविंग कर को टच कर रहा है, तो सेविंग और ये इन्वेस्टमेंट को, तो इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर सेविंग ज्यादा हो जाएगी, तो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच से। समझे या नहीं समझे, क्लियर है। तो ये आपके पास से वही क्वेश्चन था, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आ गई हैं। अगली क्लासेस में हम जो है मल्टीप्लायर पे फोकस करेंगे, कोई डाउट है तो कमेंट के थ्रू पूछिए। शिवदास 10 ईयर मार्केट में आ चुकी है, उसको आप ले लीजिए, मार्केट में आपके आसपास जो भी स्टेशनरी की शॉप है वहां से आप ले लें। हाँ उस पर मेरी फोटो वोटो बिल्कुल भी नहीं होगी, एक शिवदास के नाम से मैक्रो इकोनॉमिक्स 6 सेमेस्टर का होगा, वो ले लेंगे आप। शेड्यूल में इनकम से ज्यादा कंजम्पशन कैसे है, बच्चे बिक्री नहीं हो सकती है, ये रही इनकम, ये रही कंजम्पशन ज्यादा है, आप पूछ रहे हो कैसे है, बच्चे आमदनी ठन्नी खर्चा रुपया, बहुत सारे लोग देखे नहीं आपने, आप पाकिस्तान के पास में क्या क्या हुआ, जितने इनकम ने ज्यादा कंजम्पशन करा नहीं करा, उधार लेकर के लोन लेकर के, अमेरिका से लोन लिया, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, कंजम्पशन ज्यादा करा नहीं करा, तो कंजम्पशन आपके इनकम से ज्यादा हो सकती है, सेविंग ज्यादा नहीं होती है, समझे। बहुत सारे आपको वैसे परिवार नजर आएंगे, 10,000 रुपए कमाते हैं, 12,000 रुपए खर्च करते हैं उधार ले लू करके, क्यों पुरानी सेविंग से या फिर आप लोन लेकर के ऐसा आपका हो जाता है। ठीक है जी, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में।